बहुत काम आने वाले कमाल के किचन कुकिंग टिप्स। नंबर वन, जब अपने घर में सूखी लाल मिर्च पीसते हैं तो अक्सर खांस खांस कर तंग हो जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि यह धसका आपको न लगे तो इस टिप्स को अपनाएं। सबसे पहले मिर्च को धूप में कुछ देर रखें और फिर इसे मिक्सर जार में डालें। अब इसमें एक छोटा चम्मच नमक और एक बड़ा चम्मच सरसों का तेल डालकर पीस लें। इससे रंग भी सुनहरा होगा और आपको धसका भी नहीं लगेगा। नंबर टू, रसगुल्ला स्पंजी बनाने के लिए रसगुल्ले को पकाते समय जब रसगुल्ले चाशनी में फूलने लगें तो बीच बीच में उसमें एक दो बड़े चम्मच पानी डालें। इससे चाशनी गाढ़ी नहीं होगी और रसगुल्ला ज़्यादा स्पंजी बनेगा। चाशनी सही रहेगी तभी रसगुल्ले चाशनी को सोख पाएंगे, रसगुल्ले एकदम स्पंजी बनेंगे। नंबर थ्री, गुलाब जामुन सॉफ्ट और रसीला नहीं बन रहा है तो उसे एकदम सॉफ्ट और अंदर से रसीला रालीदार बनाने के लिए खोआ अथवा मावा में थोड़ा सा पनीर या छेना डालकर मिलाएं। गुलाब जामुन एकदम रसीले, मुलायम और एकदम स्वादिष्ट बनेंगे। नंबर फोर, यदि आप दूध की मलाई में से मक्खन ज़्यादा मात्रा में निकालना चाहते हैं तो मलाई में एक चम्मच चीनी और ठंडा पानी का उपयोग करें। फेंटा जाए तो मक्खन ज़्यादा मात्रा में निकलता है। नंबर सिक्स, गुड़ की चाशनी बनाने से पहले अगर आप कढ़ाई में थोड़ा सा घी या तेल लगा देंगे तो चाशनी कढ़ाई से चिपकेगी नहीं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को फुल देखें। बहुत ही यूजफुल काम आने वाले किचन कुकिंग टिप्स आपको इस वीडियो में मिलेंगे और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। नंबर सेवन, बहुत सी सब्जियों में प्याज और लहसुन की काफ़ी मात्रा में ज़रूरत पड़ती है। ऐसे में उस समय प्याज और लहसुन काटना, छीलना और पकाना आपके काम को बढ़ा देता है। फिर क्यों ना आप यह काम पहले ही करके रख लें। नंबर एट, सब्जी बनाते समय ध्यान रखें कि सभी सामग्री को एक साथ न डालें, बल्कि जो चीज़ें पकने में ज़्यादा समय लेती हैं उन्हें पहले थोड़ा सा पका लें और फिर दूसरी चीज़ें डालें। नेक्स्ट देख लेते हैं। नंबर नाइन, बेसन की बर्फ़ी में थोड़ी सी सूजी मिला लें, इससे बर्फ़ी दानेदार और टेस्टी बनेगी। नंबर टेन, मिर्च के अचार में थोड़ी सी हींग डाल दें, इससे मिर्च का अचार ख़राब नहीं होगी। नंबर इलेवन, लच्छा पराठा बनाते समय लच्छे को कुछ समय फ्रिज में रखें और फिर सेकें, इससे एक एक परत आराम से उतरेगी। नंबर ट्वेल्व, सबसे ज़रूरी है कि आप अपने किचन में व्यवस्थित रखें, हर सामान को ठीक से स्टोर करें, पैकेट पर लेबल लगाएं और सही जगह पर रखें। यह खाना बनाते समय चीज़ों की तलाश करते वाले समय बचाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नंबर फोर्टीन, गंदी रसोई में काम करने का मन नहीं होता है, इसलिए हम सलाह देते हैं कि खाना पकाते समय फैलने वाली गंदगी को तुरंत साफ़ कर दें। ऐसा करने से आपके पास काम कम होगा और साथ ही चीज़ साफ़ होती रहेंगी, बाद के लिए कम काम बचेगा। तो जब भी हम खाना बनाते हैं साथ ही साथ आप टाइम दे देंगे, साफ़ करते जाएंगे तो उतना बाद के अपने आपको नहीं करना पड़ेगा, किचन भी क्लीन ही रहेगी। नंबर 15, दाल के साथ लहसुन का तड़का बहुत ही खास लगता है, ख़ास तौर पर अगर आप मसूर दाल बना रहे हैं तो और भी स्वादिष्ट बनता है। आप दो कली लहसुन, एक कटी हुई हरी मिर्च, थोड़ी सी हींग मिलाएं और घी जीरा के साथ छोंक दें। इसका फ्लेवर आपके स्वाद को बढ़ा देगा। नंबर 16, पराठे को हमेशा हाई फ्लेम पर बनाना चाहिए। अगर आप धीमी आँच पर पराठा बनाते हैं तो काफ़ी सख्त होंगे, जिन्हें चबाना मुश्किल हो जाता है। तेज़ आँच पर बना पराठा क्रिस्पी और टेस्टी रहता है। नंबर 17, आप अपने चावल के साथ तरह तरह के एक्सपेरिमेंट कर उसे नया रूप और स्वाद दे सकते हैं। इसके लिए आप कभी जीरा राइस, कभी वेजिटेबल राइस, कभी कॉर्न राइस और कभी टमाटो राइस बना सकते हैं। स्वाद और सेहत दोनों के लिए अच्छा होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नंबर 18, नई रेसिपी ट्राई करने जा रहे हैं तो उसे पहले पढ़ लें, बनाने का तरीका समझ आ जाएगा। उन चीज़ों की लिस्ट बना लें जिनका खाना बनाते समय ज़रूरत हो, इससे कोई ख़ास चीज़ बाज़ार से ख़रीदने की ज़रूरत पड़ सकती है। नंबर 19, किचन में हर वक्त एक डायरी व पेन रखें, काम करते समय ज़रूरी चीज़ें उसमें साथ साथ नोट करती जाएं। 20, घर पर बने प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च के पेस्ट में एक छोटा चम्मच गरम तेल व नमक मिला देने से लंबे समय तक फ्रेश रहते हैं। 21, दाल के साथ परवल, बीन्स जैसी सब्जी बनाने जा रहे हैं तो उन्हें काट कर दाल के साथ ही प्रेशर कुकर में उबाल लें। सब्जी को एक छोटे बर्तन में रख दें, रखकर ऊपर से ढक्कन लगाकर कुकर में रखें। बाद में कढ़ाई में दाल व सब्जी का अलग अलग मसाला भूनकर तैयार करें। इस तरह दो चीज़ों को एक साथ बनाने से समय की बचत होगी। नेक्स्ट देख लेते हैं। फ्रेंड्स, अगर चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो एक सब्सक्राइब ज़रूर से करें।
नंबर 22, ड्राई फ्रूट्स को किसी रेसिपी में डालना हो तो उसे पहले ही काट कर फ्रिज में रख लें। नंबर 23, थोड़े ढीले टमाटर ठंडे नमक मिले पानी में कुछ देर रखें, फिर वे सख्त हो जाएंगे। नंबर 24, सील किए फ्रोजन फूड को प्लेट में रखकर रेफ्रिजरेटर के में डिफ्रॉस्ट करें, किचन काउंटर पर रखने से इसमें बैक्टीरिया पनप सकते हैं। 25, फ्रोजन बटर के पिघले का इंतज़ार किए बगैर तुरंत कद्दूकस करें, इस काम को जल्दी से जल्दी पूरा करें ताकि वह पिघलने ना लगे। 26, कटहल को काटने के तुरंत बाद गुनगुने पानी में डाल दें, इससे कटहल काला नहीं होगा और उसका चिपचिपापन भी खत्म हो जाएगा। 27, कटहल के बीज उबालकर उनमें हलवा बर्फी बना सकती हैं, बीज फ्राई करके भी खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, एक एक टिप्स बहुत ही यूजफुल आपके काम आने वाली है, ध्यान से वीडियो देखें और ध्यान से सुने तभी समझ में आएगी। 28, पुदीने की चटनी को मिक्सी में बनाते समय ज़्यादा देर तक ना पीसें, वरना कड़वा स्वाद आएगा। ज़्यादा देर तक पीसने से पत्तियों के तेल से गंध आनी शुरू हो जाती है। 29, सूप में ज़्यादा नमक पड़ जाए तो उसमें चुटकी भर चीनी और थोड़ा सा नींबू का रस मिला दें, चाहे तो इसमें थोड़ा पानी या दूध भी मिला सकती हैं। 30, टमाटो सूप को टेस्टी बनाने के लिए उसमें थोड़ी सी पुदीने की पत्तियां पीसकर मिलाएं। 31, रोटियां सूखकर बासी व सख्त हो जाएं तो उन्हें एयर टाइट डिब्बे में एक साफ कपड़े में लपेट कर रखें। ध्यान रखें कि यह डिब्बा कुकर में आसानी से आ जाए। इसे कुकर में थोड़े पानी के साथ रखकर थोड़ी देर के लिए आँच पर और दो सीटी लगा दिलाएँ, रोटियां फिर से ताज़ी हो जाएंगी। तो जिस भी डिब्बे में आप उन्हें रोटियों को रख रहे हैं वो स्टील का होना चाहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स, वीडियो को अगर आप स्किप कर दें तो एक भी टिप्स आपके काम को नहीं, मतलब आपकी समझ नहीं आएगी, इसलिए वीडियो को फुल देखें तभी समझ में आती है। 32, चावल सर्व करते समय अध पके लगें तो उनमें फिर से पानी डालकर पकाया नहीं जा सकता, ऐसे में थोड़ा सा दूध डालकर स्टीम दिलवाएं, चावल खिले खिले बनेंगे। 33, चावल पकाते समय हल्के जल जाएं तो आँच से उतारकर उन पर सफ़ेद ब्रेड 10 मिनट के लिए रखें, चावल में से गंध चली जाएगी और वे खाने लायक हो जाएंगे। 34, गर्मियों में झटपट बर्फ जमानी हो तो गुनगुने पानी को ही फ्रीजर में जमने के लिए रखें। 35 देख लेते हैं, साबुत दालों को स्टोर करते समय उसमें नमक के टुकड़े डालें, इससे वे अधिक दिनों तक सुरक्षित रहती हैं। तो साबुत नमक जो होता है उसको आप डाल के रखें, दाल लंबे समय तक आपकी बिना कीड़े लगे स्टोर रहेंगी। 36, गेहूं में मेथी की पत्तियां सुखाकर मिलाकर रखी जाएं तो गेहूं सुरक्षित रहता है। तो गेहूं भी स्टोर करने का ये सबसे अच्छा तरीका होता है, आप ज़रूर इस टिप्स को फॉलो करें। 47, अरहर की दाल में 2-3 बूंदें तेल की डालें, फिर उसे मसल लें और रख दें, इससे दाल में कीड़ा नहीं लगेगा और दाल गलेगी भी जल्दी। 38, अरहर की दाल के साथ नारियल का छिलका रखें, यह ख़राब नहीं होगी। 39, चीज़ को स्टोर करने के लिए किसी फॉइल या वैक्स पेपर में लपेटकर वेजिटेबल ट्रे में रखें, चीज़ लंबे समय तक फ्रेश रहेगा, इसे कभी भी फ्रीजर में ना रखें, इससे स्वाद व टेक्सचर असर पड़ेगा। 40, चीज़ के टुकड़े को जिस तरफ से काटा है उसी हिस्से पर मक्खन लगाएं, वह सूखेगा नहीं। फ्रिज में चीज़ रखते समय उसके डिब्बे में चीनी के दाने डालें, इससे ना चीज़ सूखेगा और ना ही कड़ा। 41, ब्रेड को फॉइल या प्लास्टिक रैपर में लपेट कर रखें, चाहे तो प्लास्टिक कंटेनर में भी रख सकते हैं, इसे ठंडी व सूखी जगह पर 3 दिन तक रख कर खा सकती हैं। 42, नट्स एयरटाइट कंटेनर में डालकर फ्रिज में रखें, लंबे समय तक ताज़ा रहेंगे, इनमें ऑयल होते हैं, बाहर रखने पर ख़राब हो जाते हैं। 43, सैलेड ग्रीन सलाद की पत्तियों को लंबे समय तक ताज़ा रखने के लिए इन्हें खुले कंटेनर में डालकर इसमें पेपर टॉवल रखें, कंटेनर के ढक्कन लगाएं या फिर प्लास्टिक रैपर से कवर कर दें, सलाद की पत्तियां सप्ताह भर तक ताज़ी रहेंगी, पेपर टॉवल गीला हो जाए तो फ्रेश पेपर टॉवल रखें। 44, हरी पत्तेदार सब्जियों को साफ करके पेपर में लपेटकर फ्रिज में रखें, लंबे समय तक ताज़ा रहेंगी, तोरी गीले कपड़े में लपेटकर रखें। नेक्स्ट देख लेते हैं 45, ताज़ी मेथी को साफ करके जिप लॉक बैग में रखकर फ्रिज करें, जब चाहे सब्जी बनाएं। नेक्स्ट देख लेते हैं 46, मलाई से मक्खन आसानी से निकालने के लिए फ्रिज से मलाई को 6-7 घंटे पहले ही निकाल कर रख दें, फिर उसमें एक चम्मच लेकर अच्छे से मिक्स करेंगे, देखेंगे कि मलाई से मक्खन बिल्कुल आसानी से अलग हो गया है। 47, ताज़ी अदरक को साफ करके फ्रीजर में रखें, लंबे समय तक फ्रेश रहेगी। 48, अदरक को टॉवल पेपर में लपेट कर प्लास्टिक बॉक्स में रखें,
इस बॉक्स को फ्रिज में रखें। 49 हरी मिर्च को हल्का सा कुचलकर उसमें हल्दी नमक लगाकर सुखा लें और एयरटाइट डिब्बे में रखें, काफ़ी दिनों तक सही रहेगी। 50 मशरूम सूखे व फ्रेश रखने के लिए इन्हें मार्केट के डिब्बे से निकालकर एक पेपर बैग में लपेटकर फ्रिज में रखें। नमी की वजह से मशरूम ख़राब हो जाते हैं, तो मशरूम रखने का ये सबसे बेस्ट तरीका होता है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं। 51 टमाटर ठंडी व सूखी जगह में रखें, फ्रेश रहेंगे। इन्हें फ्रिज में ना रखें, इन्हें किसी चौड़े मुँह वाली टोकरी या डिब्बे में एक लाइन से इस तरह रखें कि डंडी वाला हिस्सा ऊपर हो रहे, एक के ऊपर एक टमाटर न रखें। 52 केले लंबे समय तक ताज़ा रखने के लिए इनके गुच्छे के सिरे पर प्लास्टिक रैप करके रखें। 53 खाने पीने की चीज़ें बची एयरटाइट लीक प्रूफ डिब्बों में फ्रिज में स्टोर करें। 54 परफेक्ट पराठा बनाने के लिए यह ज़रूरी है कि इसका आटा नर्म हो, नर्म आटे से बनाए गए पराठे में नर्म परत बनते हैं, पहले से ही कुकिंग की प्लानिंग करें। 55 चाय को ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए थोड़े से सौंफ के दाने डाल दें, चाय बहुत टेस्टी सुगंध वाली बनेगी। तो ये थी आज की 55 किचन कुकिंग टिप्स। अगर आपको इनमें से एक भी यूजफुल काम आने वाली लगी है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।